सो हाई वेलकम टू ज़ोडियक पेट एसोसिएशन। माय नेम इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश करूंगा सिज की। बहुत सारा वीडियोस मेरे पास आ रहे हैं, किसी का 20,000 का सिज जो बेच रहे, कोई 15,000 का, कोई 40,000 का, कोई 30,000 का बेच रहे। तो एक बहुत डाउटफुल बात है, मुंबई जैसे जगह में अगर हम बात करेंगे तो सिज की प्राइस अभी 40,000 के आसपास। आज सुबह मेरे को मैसेज आया, एक आया कि वीडियो आया 30,000 में, बाकी काफ़ी अच्छे क्वालिटी का था, हेल्दी क्वालिटी का था, विथ कैसे पेपर में पपी अवेलेबल था, तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होना ही चाहिए था। बट यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी जैसे सर्दी का मौसम शुरू हो गया, लोग क्या करेगा, अभी जो स्मॉल ब्रीड है, छोटा जो ब्रीड होता है, वो ब्रीड ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे घर में, बिकॉज अभी बाहर में लेके जाके वॉकिंग वगैरह कराना लोगों के लिए भी मुश्किल है, डॉग के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि लोग लेके जाना नहीं चाहते, सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते अभी, और रात को भी जल्दी सो जाते हैं, और डॉग्स या जो पेट है वो भी उसी टाइप का चाहते हैं कि उसके साथ घर में रहे, ज़्यादा टाइम घर में स्पेंड करे, और वो सब मामले के लिए आपका बीगल हो गया, सिज्जू हो गया, लसा हो गया, वो सब बेहतरीन ब्रीड है। सिज्जू मेनली घर में ही रखते हैं हर कोई लोग, मैं जितना देखा बहुत कम ही आप शायद देखेंगे टहलने के लिए कोई लेके गया सिज्जू, बहुत कम रहे यार, जितने लोगों के पास है 10% 20% लोग ही टहलने के लिए लेके जाते हैं, और इसलिए जो स्मॉल ब्रीड है वो सबका अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रहा हो, और इसी कारण पेट शॉप वाले को या रिटेलर को बीटर को एक चांस मिल जाता है कि अभी तो डिमांड ज़्यादा आ रहा है, मतलब ज़्यादा खोजते थोड़ा ज़्यादा करके ज़्यादा प्राइस करके हम लोग सेल करें। और यहाँ पे और एक चीज़, बट उसी में वो चर्चा में आपको नहीं जाना है, अगर आप मुंबई जैसे जगह पे है और मैक्सिमम 30,000 के ऊपर आप सिज्जू में मत दीजिए, विथ कैसे पेपर, अगर कोई चैंपियन ब्लडलाइन के है तब वो अलग बात है, उसका प्राइस एक्सेप्शनल होता है। गुवाहाटी में तो बहुत कम चैंपियन ब्लडलाइन या कैसे पेपर होते, गुवाहाटी में भी 30,000 का ऊपर आप मत दीजिए, मतलब 30,000 आपका ऊपर आपको कहीं भी जगह पे देने का ज़रूरत नहीं है अगर विदाउट किसी पेपर है तो। और यहाँ पे और एक बात है जो ब्रीडर लोगों को भी पता है, अभी सर्दी का मौसम है, वो लोग ज़्यादा पपी स्टोर नहीं कर सकता, जैसे लीटर निकला, एक लीटर लिया, 8-10 तो पपी रखा, एक महीना 40 दिन रखा, उसके बाद सेल करे, बहुत ज़्यादा पपी रख नहीं सकते बहुत दिन, क्योंकि बीमारी लगने का भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, केयर काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, लाइट वगैरह लगा के रखना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है, गरम कपड़ा वगैरह देना पड़ता है, तो उनके लिए भी रखना मुश्किल होता है, तो वो लोग भी थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छा दाम में आपको पपी दे देगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर ब्रीडर सेलर लोग सांस ले सकता है कि लोग तो ज़्यादा ढूंढ रहा है तो ज़्यादा करके रखे, तो आप लोग क्यों सांस ना ले, सेलर ब्रीडर लोग ज़्यादा करके अभी पपी नहीं रख सकता घर में, अपने पास नहीं रख सकता, बीमारी लगने का चांस है, तो उसको आप लोग सांस लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी उसको लीजिए, और जितना हो सके बार्गेन करें। आप अगर बोलते हैं 40,000 तो आप बोलो मैं तो 25 के ऊपर नहीं दूंगा, मेरे को मिल रहे, तो वो बोलता है कि ठीक है आप जहाँ पे मिले वहीं पे ले लो, तब जाके। बट ऐसे अभी कभी बोलेगा नहीं, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा करके सिज्जू वगैरह का पपी ऐसे बोलेगा नहीं, आपको अप्रोक्स मिल जाएगा।